वीक में सर से पढ़ो और वीकेंड में सर से मिलो। नई प्रॉब्लम का न्यू एज सॉल्यूशन, इंट्रोड्यूसिंग आकाश हाइब्रिड क्लास, इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली कॉम्बो ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। घर में प्रिपरेशन, क्लासरूम फॉर डाउट सेशन। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा डॉट कॉम। इस वक्त दी सड़कनामा डॉट कॉम की टीम है वो हांसी में मौजूद है। आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, हांसी का बस स्टैंड है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा सरकार के 2 साल का कार्यकाल है वो पूरा हुआ है गठबंधन सरकार का, और इसको लेकर के दी सड़कनामा डॉट कॉम की टीम है वो पूरे हरियाणा भर में आपको अलग अलग शहरों का जो टेस्ट है वो दिखाएगी, और अलग अलग जगहों पर जा कर के हम जो है सर्वे कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा सर्वे है 2 साल के कार्यकाल को, गठबंधन के कार्यकाल को लोग किस तरह से आंकते हैं। हांसी है वो ये कहेंगे कि यहाँ पर मशहूर जो है पेड़े, क्योंकि हांसी के पेड़े हैं वो काफ़ी मशहूर है। बस स्टैंड के सामने आपको पेड़ों की 2 दर्जनों दुकानें हैं वो मिल जाएंगी। सबसे पुरानी दुकान है वो लाला दुनी चंद छबील दास है, उनकी दुकान है। और मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि बस स्टैंड के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में हमारे साथ इस वक्त लोग हैं। हम उनसे थोड़ा बहुत चर्चा भी करते हैं, हांसी शहर के बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ लोगों से हम चर्चा करेंगे। सर, क्या नाम आपका? दिनेश कुमार जी। तो आप हांसी के रहने वाले हैं, इसी इलाके के? सिसाई गांव से। कौन सा गांव? सिसाई। सिसाई जो बड़ा गांव है। हाँ जी। सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, किस तरह से आप आंकते हैं इसको? कितना काम काज हुआ सरकार का इस साल में, 2 सालों में? ठीक कर रखा है, अच्छा काम कर रखा है। काम हुआ है। हाँ जी। तो बाकी क्या कहना चाहेंगे, कोई सुझाव आपका? सुझाव तो अच्छा काम करती रहे सरकार, हमारे लिए तो सारी सरकारें एक समान हैं। अच्छा, चाहे कोई सी भी सरकार हो, जो काम करेगा हम उसी को वोट करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम आपका? योगिंदर जी। क्या करते हैं आप? ये मैं उन्होंने रुके रखे मारले छोटे। अच्छा, ये बस स्टैंड भी रहते हैं? हाँ। तो 2 सालों में कितना बदला है हांसी? सरकार के 2 साल कार्यकाल हुआ है, कितना कुछ बदलाया जी? बहुत बढ़िया बदलाया है जी। कुछ काम काज हुआ आपके? हाँ, आज दिखाऊंगा, खड़े खड़े गोटे गोटे खड़े दिखाऊँ, सारा शहर पाट रखे है। अच्छा। हाँ। तो काम नहीं हुआ, यानी विकास नहीं हुआ? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, कुछ नहीं हुआ या कुछ हुआ है? तो रोड तो पाट रखे गए, बनाएगा उतना हो जाएगा, इतना नहीं। अच्छा। इवलो तो कि हुआ नहीं। अच्छा, हांसी शहर में कुछ भी नहीं हुआ इवलो तो? कुछ भी नहीं हुआ। आज ताऊ के नाम है राजकुमार जी। तो कितना कार्यकाल इस सरकार ने कुछ काम करवाया है? 2 साल का कार्यकाल सरकार का पूरा हुआ है, हांसी में कुछ बदलाव हुआ? अपन तो गाड़ी का धंधा बाबू जी, अपना कुछ काम काज हुआ, विकास हुआ? अपन तो गाड़ी चलाओ, अपना गाड़ी का काम। अच्छा, गाड़ी का काम है। धन्यवाद। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश है जी। जी, तो सरकार ने 2 साल पूरे किए हैं, कैसे आंकते हैं? कर लिए जी 2 साल में तो हम। अच्छा। हाँ, ऑटो चलाता हूँ मैं, बहुत दुखी हुए, बहुत ही दुखी हुए हैं। डीजल बढ़ा है, डीजल का रेट तो कम हुआ है? कम हुआ तो क्या, 2 दिन हुए सर अभी, तो बहुत दिन दिक्कत में आए। हाँ। अच्छा। हाँ जी, ताऊ क्या नाम है? नाम पूछ के केकरा देश का बैठा दिया बैठा। अच्छा। तो कुछ काम हुआ, विकास कार्य हुए? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, इसमें कुछ नहीं, इसमें बदल गया सब में, कुछ नहीं आना इनके पास। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बबलू है जी। जी, तो सरकार के कार्यकाल को आप कैसे आंकते हैं? 2 साल का कामकाज सरकार को, विकास हुआ इस इलाके में? ना ना, कुछ नहीं हुआ, दुखी कर रखे हैं सरकार ने, बैठा बैठा रखे जमा, कोई फायदा वाली बात नहीं। कोई फायदे वाली बात है, किसान इतने दुखी कर रखे हैं जी। है के है सरकार या कुछ नहीं? कुछ नहीं है, काम काज नहीं हुआ, नहीं हुआ, विकास कार्य नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पुलिस वाले 2-3 बार बस्ती काट दी, वही पुलिस वाले लाग दे गए। अच्छा अच्छा, बदलेगा कुछ? हाँ, पूरे नौकरी लागे जखमा। क्या नाम है सर आपका? संजय जी। यही रहते हैं हांसी में? हाँ जी। तो कुछ हुआ हांसी का विकास? हाँ जी, थोड़ा बहुत विकास हुआ, अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। हाँ जी। तो सरकार के कामकाज को कितने अंक देंगे आप? 2 साल पूरे किए सरकार ने, अच्छा है, पहले से तो अच्छा ही है। हाँ जी, अच्छा है। बस स्टैंड के अंदर भी हम जो है थोड़ा प्रयास करेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं, कुछ युवा भी हैं, क्योंकि बस स्टैंड पे इस इलाके के जो तमाम जो गाँव हैं या शहर हैं, तो वहाँ के लोगों का थोड़ा टेस्ट पता चलता है। सर, क्या नाम आपका? नरेश कुमार जी। तो क्या करते हैं आप? हम जॉब करते हैं। सरकार, राज्य सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है गठबंधन सरकार का, क्या लगता है कुछ काम काज हुआ आपके इस इलाके में? यार, हम यहाँ नहीं रहते, दिल्ली में रहते हैं एक्चुअली, ज़्यादा ही।
हम बार त्योहार पर आते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी आते हैं। तो थोड़ा बहुत तो आपको लगा होगा कुछ बदलाव हुआ या वैसा ही है? देखते हैं, कई बार बदलाव तो हुआ ही है लगभग, सरकार है तो कोई भी बदलाव तो करेगी। हाँ लगभग हुआ है, काम काज तो हुआ है। हाँ सर, सबसे कुछ काम काज हुआ है इससे? दो साल का कार्यकाल है गठबंधन सरकार का, क्या लगता है? कुछ खास नहीं कह सकते सर, 80 में से लगा लो, बस स्टैंड से लगा लो, बहुत बुरा हाल है। 80 गलियों से, सड़कों से लगा लो, कोई खास काम नहीं है सर। कुछ खास काम नहीं, नहीं अभी तक कोई खास काम जो होना चाहिए ना गठबंधन सरकार का, वो अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा, जो काम होने वाला चाहिए था वो नहीं हुआ? हाँ नहीं हुआ सर। क्या उम्मीद क्या करते हैं, क्या काम? ऐसा जी, उम्मीद तो देखो हर आदमी करता है, लेकिन उम्मीदों पर ना अभी तक खरी उतरी नहीं है सरकार, और उतरना चाहिए। भी फर्ज बनता वोट मांगते वक्त, हमने वोट दे, हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन सरकार ने ना वो वादे पूरे अभी किए नहीं है। ऐसे मतलब लोगों के साथ ना करना नहीं चाहिए, गलत है, ऐसी सोच सरकार की गलत है। धन्यवाद। तो बस स्टैंड के अंदर और जो है बाहर भी चलते हैं, कुछ दुकानदारों से भी हम बातचीत करने का जो प्रयास करेंगे, जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि अभी जो गठबंधन सरकार ने अपना 2 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा किया है, और लोग क्या कैसे आंकते हैं, कुछ दुकानदारों से हम बातचीत करें। पेड़ों का शहर है हांसी, जहां के पेड़े हैं वो काफ़ी मशहूर हैं, और हांसी से जो पूरे जो है देश में जो है पेड़े हैं वो जाते हैं, और अलग अलग मैं आपको दिखा रहा हूं कि तमाम जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, सभी पे भी जो है लिखा हुआ है बड़ा बड़ा कि राधे राधे पेड़ा भंडार, अलग अलग जो है पेड़ों का शहर का कहते हैं इसको। सर क्या नाम है? दलवीर सिंह जी। दलवीर सिंह जी, तो पेड़ों का शहर है हांसी। हाँ जी। कितने सालों से पेड़े बनते हैं यहाँ? यहाँ से तो कई साल हो गए जी, 50 साल से भी ऊपर बनाना करे। दो सालों में कुछ चेंज हुआ हांसी में? सरकार ने 2 साल के कार्यकाल पूरा किया है, क्या लग रहा है, कुछ काम हुआ 2 सालों में? क्या काम है, मंदी है अभी तो भाई। हाँ। शहर का विकास हुआ कुछ? शहर में लग रहे हैं, तैयार कर दे फिर फोड़ दे। तो जो है, थैंक यू। और हांसी में जो है पेड़ों की मशहूर दुकान है, हम उनसे भी जो है बातचीत करेंगे, क्योंकि thesadaknama.com जो है पूरे हरियाणा भर में जो टीम निकली है, और हम यहाँ पे जो किस तरह से जो काम काज हुआ उसको लेकर के लोगों से भी चर्चा कर रहे हैं, हांसी के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, और लाला दुनीचंद छबील दास की ये मशहूर दुकान है, और हम उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि काफ़ी मशहूर दुकान है हांसी, जहाँ पे पेड़ों के नाम से हांसी है वो मशहूर है। और हमारे साथ सुनील हैं, और क्योंकि सबसे पुरानी दुकान है वो हांसी में इन्हीं की है, पेड़ों की। सर कितने सालों से चल रहा है ये कारोबार आपका? सर ये कारोबार हमारा चल रहा है, 5वीं पीढ़ी आ गई सर इसमें। 5वीं पीढ़ी आ गई जी। तो वैसे आपकी जो पुरानी दुकान है वो बाजार में है? वो हलवाई वाली गली में सर, के पास है ना? हाँ जी, बड़सी गेट के अंदर जी। तो यहाँ पे भी आपका जो चलता है जी। तो सर राज्य सरकार ने 2 साल पूरे किए हैं, 2 साल के कामकाज को आप कितने अंक देंगे? कुछ काम हुआ हांसी में, कुछ विकास हुआ? सर विकास तो हो रहा है जी। साथ में खुदाई भी होता है आगे विकास के लिए जी। काम तो चल ही रहा है सर जी। हाँ जी। तो हांसी में बड़ी क्या समस्या है और क्या होनी चाहिए, उम्मीद क्या कर रहे थे सरकार से हांसी के लोग? उम्मीद तो ये सर सड़कें बड़ी हो, बिजली पानी हो, सबसे बड़ी बात यही है जी। उसके लिए काम चल रहे हैं सर जी। जी तो कुछ काम हुआ है यानी? कुछ हुआ है, कुछ चल रहा है, टाइम तो लगता है हर काम में। 10 में से कितने अंक देंगे सर? 10 में 7 अंक जी। यानी अभी कुछ बाकी है? हाँ जी सर, चल रहा है काम जी। बाकी अभी दिवाली के सीजन पे आपकी मिठाइयाँ तो खूब गई होंगी अभी इस इलाके? सर हमारे पास माल ही नहीं होता सर, दूध ही कम आता है जी। तीन है। छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली अमावस हो जाते, दूध नहीं आता सर जी। तो जितना आता है उतना लगभग? अभी भी नहीं है मेरे पास पेड़ा जी। पेड़ा नहीं है, अब खत्म है, सब कुछ खत्म हो गया जी। पेड़ा हाँ जी, बस गाजरबाग अभी तैयार हुआ है जस्ट। तो ये मशहूर दुकान है ये लाला दुनीचंद छबील दास की, क्योंकि पूरे सीज़न में इनके पास जो है पेड़ा नहीं होता है, और क्योंकि जब सीज़न आता है तो पेड़ा नहीं मिलता ग्राहकों को। और पेड़ों का शहर है हांसी, जहां हमने सबसे पुरानी दुकान पे बातचीत की, और बस स्टैंड के अंदर चलेंगे
और वहाँ से कुछ लोगों की नब्ज टटोलने का प्रयास करेंगे कि हांसी में कितना का विकास हुआ है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी जो है सिलसिलेवार चर्चा करेंगे कि कितना शहर बदला है, क्योंकि शहर के बारे में जो शहर के रहने वाले लोग हैं वही बता पाएंगे। सर, क्या नाम आपका? रमेश सैनी है मेरा नाम जी। तो सैनी जी, सरकार के 2 साल का कार्यकाल सरकार ने पूरा किया है, गठबंधन सरकार का, कितना काम काज आपके हांसी शहर में हुआ, क्या लोगों की उम्मीदें थी, कितना काम काज हुआ, उम्मीदों पे सरकार खरा उतरी? हमारी तरफ से तो ठीक है भाई जी, बाकी देश का तो मेरा को नहीं, लेकिन हम तो हमारे हिसाब से तो सरकार सही चल रही है। हाँ जी, तो कुछ हांसी में कुछ काम हुआ? हांसी में कौन सा रोड ऐसा कौन है जहाँ पर बना नहीं, वह पाट पाड़ के फिर मेरा नहीं गया, खराबी के है, बना दें पाट दें, लेकिन काम तो होने लग रहा है, फिर पाट दें दोबारा से, फिर पहले सीवर डाल, पहले बना दी फिर सीवर वास्ते डाल दी लाइन, काम तो लगातार होता चलने लग रहा है, काम में तो कोई कमी है नहीं। हाँ, फिर इनके कारण है। हांसी के अंदर बहुत काम हुआ है, विधायक बनने के बाद और भी ज़्यादा काम हुए, यहाँ पे इतनी गंदगी थी वो गंदगी साफ कर दिया है, बिल्कुल कोई सा भी रोड देख लो सभी से काम चलने लग रहे हैं। इस सरकार को 100 में से 100 नंबर दिए, 100 में से 100 यानी कि कुछ जैसा काम किसी सरकार ने किया, आवाज़ों पे खरा उतरी है सरकार, बिल्कुल एकदम। हाँ जी सर, बोल रहे नहीं लग रहा है जी, धन्यवाद, ओके सर। तो बस स्टैंड के अंदर भी जो है हम प्रयास करेंगे कुछ और लोगों से बातचीत करने का, क्योंकि हांसी शहर है, पेड़ों का शहर कहते हैं, और बस स्टैंड के अंदर जो लोग आएंगे, बस स्टैंड के बाहर जो लोग जा रहे हैं, कुछ लोग रिक्शा में भी बैठे हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि कितना बदला है शहर ये और लोग क्या चाह रहे हैं। सर, क्या नाम आपका? मोहित जी। जी, तो आप इसी शहर के रहने वाले? हाँ जी। कितना विकास हुआ 2 सालों में हांसी में? कुछ विकास नहीं हुआ जी, सुधार तो है नहीं हांसी का। अच्छा, सुधार नहीं हुआ? नहीं। तो क्या सुधार चाहते हैं, क्या क्या होना चाहिए? रोड सारे टूटे पड़े हैं जी, हैं कुछ सुधार नहीं, पुलिस अपने काम से मतलब रखती है और हर किसी को सेधती है पुलिस वाले, और विकास कुछ भी नहीं है जी। विकास नहीं हुआ? नहीं जी। महिलाएं हैं हमारे साथ, हाँ जी, आपका क्या नाम? मेरा प्रीति सुमन। क्या नाम आपका? प्रीति सुमन जी। तो आप हांसी की रहने वाली हैं? हाँ जी। तो सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं राज्य सरकार के, क्या लग रहा है, जो उम्मीदें थी उन पर सरकार खरा उतरी, कुछ काम हुआ आपके इस इलाके में शहर में? सर पूरा मेरे को है नहीं नॉलेज, नहीं मैं कमी मतलब वो ट्रैवल करती हूँ। कुछ विकास हुआ आपके हांसी में? हाँ हुआ है, बहुत हुआ है। क्या विकास हुआ है? हाँ जी। क्या कह रही है? मेरा नाम तनुष है जी। कुछ काम काज हुआ है, गलियाँ बनी हैं, सड़कें बनी हैं? अभी तो थोड़ी देर में, अभी तो थोड़ी देर में मरेंगी, अभी तो अभी तो सर बच्चा ये बच्चा है, ये इसका कुछ नहीं बनी है, नहीं बच्चा बच्चे को अभी इतनी बच्चा गलियों में खेलता है, नहीं नहीं है कमी, वो निकलते हैं मतलब ट्यूशन वगैरह स्कूल वगैरह जाते हैं तब इनको ज़्यादा वो होती है। तो अलग अलग लोगों से हम बातचीत करने का जो प्रयास है वो जारी रखेंगे, और कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि हांसी शहर है, शहर के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, हर छोटे से छोटे वर्ग से हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, बड़े से बड़े जो लोग जो अलग अलग कारखानेदार हैं, व्यापारी हैं। सर, क्या नाम आपका? प्रेम सैनी। तो सैनी जी, हांसी के रहने वाले हैं आप? हाँ जी। कितने सालों से रह रहे हैं? इधर आ जाओ जी, हमारा जन्म तो यहीं से हांसी का ही है। अच्छा, हांसी का ही है। तो राज्य सरकार ने अभी 2 साल पूरे किए हैं, गठबंधन सरकार ने, कुछ काम काज हुआ आपके इस 2 साल के कार्यकाल की बात करें? भाई साहब एक बात बताऊँ आपको, हांसी शहर के अंदर सड़कों को इतना बुरा हाल है, हम ऑटो चलाते हैं, हमारा टूट फूट सड़क इतना बुरा हाल है कि बहुत ही ज़्यादा निकल के देखो, और जो सा भी रोड है उसी पे देखो बुरा हाल है, टूटी पड़ी सड़क, बहुत ही बुरा हाल है जी सड़कों का जी। कोई सुधार नहीं हुआ, सुधार नहीं हुआ, कुछ भी सुधार नहीं हुआ। तो क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद कह रहे थे अब ब्याणा साहब 5-4 दिन पहले, उन्होंने 6 महीने के बाद मैं हांसी शहर को साफ सुथरा बना दूंगा, सड़कें यहाँ की बहुत बढ़िया हो जाएगी, बाकी देखो अब खरा उतरते हैं कि नहीं उतरते। 2 साल तो बीत गए, 2 साल सरकार की मर्जी है, जो करेगी हम तो क्या कर से, हम तो सर 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 क्या नाम आपका? हाँ जी बोलो जी। आज इसी शहर के रहने वाले हैं आप? हांसी के जी। जी, तो सरकार ने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया,
कुछ काम काज हुआ आपके यहाँ जी? गांव शहर मठा बैठा रखा जी मतलब। अच्छा बिल्कुल, जमा सारे रोड पाट रखे हुए, एक भी खुला को जी मतलब वो है और सारा आग लगा रखे अपने भाईचारा के जी मेरे सारा शब्द की। सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं जो कह रहे सही कह रहे हैं। कुछ काम काज हुआ सर शहर में दो सालों के कार्यकाल? नहीं, हम तो हैं बाहर से, अब फायदा नहीं है वैसे जो बताएं। ठीक है, बाहर से हम तो कोई दुकान सारा मट्टी पर इधर भेज। धन्यवाद। तो कुछ और तो हम जो है लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे जो बाकी जो लोग हैं, और क्योंकि अलग अलग जगहों पर जा करके हांसी के बारे में जो है समझना और अलग अलग लोगों की राय हम ले रहे हैं, दो साल में शहर कितना का बदला, कितना का विकास हुआ, और चूँकि इसको लेकर के thesadaknama.com का सबसे बड़ा सर्वे है वो आगामी 20 दिनों तक जारी रहेगा, और इस 20 दिनों में हम हरियाणा भर की शहर आपको करवाएंगे, हरियाणा के तमाम बड़े शहरों में आपको ले चलेंगे और वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट जो है देंगे आपको कि धरातल पर कितना काम हुआ है, धरातल पे जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, और जो वादे सरकार ने किए थे उन पे सरकार कितना खरा उतरी, और कुछ जो है इसको लेकर के कुछ अन्य भी जो सवाल हैं जो लोगों से हम लेंगे इस सर्वे के माध्यम से, और ये जो सिलसिला है वो आगामी 20 दिनों तक जारी रहेगा, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जा कर के जो है बातचीत है वो हम कर रहे हैं। ये बस स्टैंड है, मैं आपको हांसी का बस स्टैंड दिखा रहा हूँ जहाँ पे अलग अलग हिस्से इलाके से जो बसें हैं वो जा रही हैं और जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं, और thesadaknama.com का जो सर्वे चल रहा है, और इस सर्वे के दौरान जो है हम तमाम लोगों से जो चर्चा करते हैं, ख़ास करके हांसी के रहने वाले जो लोग हैं, कुछ रेडी वाले हैं, फड़ी वाले हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि शहर को समझने के लिए लोकल लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे भले से बता पाएंगे। सर क्या नाम आपका? राजेंद्र। तो इसी शहर में रहते हैं सर आप? इसी शहर में। कितने सालों से रह रहे हैं? 84 से। अच्छा, 84 से रह रहे हैं। राज्य सरकार के दो साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, दो सालों में कुछ कितना आप मानते हैं कुछ विकास कार्य हुए हांसी शहर में, कुछ बदला हांसी? नहीं, कुछ नहीं बदला जी। रोड तो उससे ज़्यादा फ्लॉप हो चुके हैं जी, जो पहले थे उससे भी डैमेज हो चुके हैं। अच्छा, जो पहले थे उससे खराब हो चुके हैं। सफाई व्यवस्था जो पहले थे उससे भी डैमेज है। अच्छा, उससे ज्यादा सफाई और रोड ठीक नहीं है। नहीं। बाकी और क्या सुझाव आपका कि क्या होना चाहिए? सुझाव मेन पब्लिक को दिया ही थी, रोड साफ हो जी। चलाने जाने वाले को दिक्कत ना आए, जाम ना लगे जी। बाकी काम कुल मिला ठीक चल रहा है। क्या चल रहा है जब आप कह रहे हैं भाई समझे नहीं, प्रशासन का जो सिस्टम है वो थोड़ा ठीक है सकता ही है, लेकिन जो चीज़ रोड की लिए है बिल्कुल डैमेज है। आप अंदर देख के बाहर देख के तो सारा अंदर जाओगे तब भी ऐसा ही है, उससे भी ज़्यादा डैमेज है, नाले पाट रखे सारे। हाँ जी, क्या नाम है सर? मोहन नाम है जी। जी, पासी में रहते हैं आप? नहीं जी, जी पुट्ठी रहता हूँ, गांव में रहता हूँ पुट्ठी में। अच्छा, तो इस सरकार ने दो साल पूरे किए हैं, कुछ काम हुआ आपके इस इलाके में? सर कोई शहर में गाँव में कोई काम नहीं हुआ सर, ज़्यादा काम नहीं हुआ वही नहीं वही नहीं काम सर बिल्कुल। एक और दुकानदार है हमारे पास जो ये सर क्या है क्या है ये फ्रैंक्स है भैया जी, रिंग रिंग रिंग। अच्छा, रिंग है, बच्चे खाते हैं इनको? हाँ जी। बड़े भी खाते हैं? बड़े भी खा लेते हैं, बड़े भी खाते हैं। नमकीन है यानी नमकीन। तो हांसी शहर में रहते हैं सर आप? हाँ जी, हांसी में रहते हैं। राज्य सरकार ने दो साल का कार्यकाल पूरा किया है, क्या मानते हैं कुछ विकास कार्य हुआ, जो उम्मीदें थी उनसे सरकार खरा उतरी? भाई सही बताऊँ जी कुछ नहीं समझ आ रहा कुछ नहीं समझ आ रहा, नहीं लग भी रहा है नहीं भी लग रहा। अच्छा, कुछ लग भी रहा है, हो रहा है कुछ, तो लग कुछ हो भी नहीं रहा, हो भी नहीं रहा, दोनों बातें हैं। हाँ जी, कितने कितने नंबर देते हैं 10 में से सरकार को? सरकार को ये 4-1 नंबर की उम्मीद है, 4-1 नंबर की उम्मीद है। ठीक है सर। हाँ जी बाबू जी, क्या नाम आपका? सुरेंद्र जी। क्या करते हैं आप? मैं हार्डवेयर का काम करता हूँ। हार्डवेयर का काम आपका? तो सरकार से जो उम्मीद थी, दो साल का सरकार ने कार्यकाल पूरा कर लिया, आपके इस इलाके में हांसी में विकास हुआ? विकास कोई ज़्यादा नहीं हुआ है। ज़्यादा नहीं हुआ, जो उम्मीद थी वो उम्मीद से कम हुआ। उम्मीद से कम हुआ है। हाँ। कितने नंबर देंगे सरकार को 10 में से? सरकार को यही कोई 4-5% 4-5% यानी आधा कुछ हुआ है। हाँ बस, जो उम्मीद थी उससे उतना नहीं हुआ। नहीं, उतना नहीं हुआ। धन्यवाद। हाँ जी ताऊ,
कुछ हुआ काम आपके इस इलाके में? ये काम होता है इस इलाके में? कोई काम नहीं। अच्छा, कोई इलाके में काम नहीं? कुछ काम को नहीं। देख ले सफाई देख लो, ये देख लो, उरे देख लो, सफाई नहीं है। कोई चीज़ की सफाई नहीं है। महंगाई ज़्यादा है। हाँ, जो उम्मीदें थी उस पर सरकार खराब है। जो उम्मीद थी उस पर सरकार खराब। कोई उम्मीद नहीं थी सरकार ने, तो ये कही थी बिला 2.5 लाख रुपये बिला हर एक मजदूर का आवेंगे। अच्छा, हैं? हाँ, किसके के आया? 2.5 पैसे भी को नहीं आए। तो अलग अलग जो है लोगों से हम प्रयास करते हैं कि जो है ये सर्वे है उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। 2 साल का कार्यकाल सरकार के पूरा हुआ है, तो स्थानीय लोग हैं वो क्या कह रहे हैं उसको लेकर के हांसी के लोगों से हमने आपको मिलवाया। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। जल्द ही दी सड़कनामा.com की टीम भी आपके शहर में आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।